जला एकादशी की भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। एकादशियों में सर्वोत्तम जिसे बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम निर्जला एकादशी की भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। एकादशियों में सर्वोत्तम जिसे बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जनों, आज हम आपको ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी, जिसे निर्जला एकादशी भी कहते हैं, उसकी कथा सुनाएंगे। माना जाता है कि निर्जला एकादशी का व्रत सभी एकादशियों के व्रत से बढ़कर फल देने वाला होता है। सिर्फ निर्जला एकादशी व्रत करने से ही वर्ष भर की एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है। निर्जला एकादशी का व्रत अत्यंत संयम साध्य है। इस युग में यह व्रत सुख भोग और अंत में मोक्ष प्रदान करने वाला है। तो आइए सुनते हैं निर्जला एकादशी की ये परम कल्याणकारी पावन कथा। वेद व्यास जी ने पांडवों को शास्त्रों का ज्ञान सिखाया, अर्थ धर्म और काम मोक्ष का उन संकल्प कराया। श्री कृष्ण भी उपस्थित थे तब पांडवों संग वहीं पर, कहने लगे तब श्री कृष्ण से धर्म राज युधिष्ठिर। धर्म अधर्म का हम पांडवों को देते ज्ञान आप है, कौन सा पुण्य का कार्य है जग में, कौन सा महापाप है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी जो होती, करे जनार्दन वर्णन इसका महात्म्य है जो भी। आपके श्रीमुख से ही हम ये सुनना चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। एकादशियों में सर्वोत्तम जिसे बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जनों, महर्षि वेदव्यास जी ने पांचों पांडवों को शास्त्रों की शिक्षा दी थी एवं उन्हें चारों पुरुषार्थ अर्थ धर्म काम एवं मोक्ष का संकल्प भी कराया था। इस समय युधिष्ठिर श्री कृष्ण से ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म्य जानने की विनती करते हैं। तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा सत्यवती नंदन श्री वेदव्यास जी करेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ और वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान हैं। श्री कृष्ण की बात सुनकर वेद व्यास जी कहने लगे, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की जो है एकादशियां, दोनों में ही ना चाहिए कभी अन्न का सेवन करना। द्वादशी के दिन करके स्नान पहले कर पूजा पाठ, ब्राह्मणों को भोजन करवाए फिर उसके पश्चात, दान दक्षिणा दे कर के ले उनका आशीर्वाद। स्वयं को भोजन करना चाहिए इन सब के ही बाद। एकादशी के व्रत से होते हैं विष्णु जी प्रसन्न, सब कट जाते बंधन। पाप के भागी होते इस दिन अन्न जो खाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। एकादशियों में
से बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जनों, महर्षि वेदव्यास जी ने बताया कि किसी भी एकादशी के दिन अन्न का सेवन वर्जित होता है। एकादशी के दिन अन्न का सेवन करने से मनुष्य पाप का भागी बनता है, और जो मनुष्य एकादशी के दिन व्रत करते हैं, श्री हरि विष्णु की कृपा उन पर सदैव बनी रहती है। इतनी बात सुनकर भीमसेन कहने लगे, हे परम बुद्धि पितामह, मेरी उत्तम बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये सभी एकादशियों को कभी भोजन नहीं करते तथा मुझे भी हमेशा यही कहते हैं कि भीमसेन, एकादशी को तुम भी न खाया करो। परंतु मैं उन लोगों से यही कहता हूँ कि मुझसे भूख नहीं सही जाती, क्योंकि मेरे उदर में वृक नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है। अतः मैं जब बहुत अधिक खाता हूँ तभी यह शांत रहती है, तो मैं व्रत कैसे कर सकता हूँ? इतना सुनकर वेद व्यास जी कहने लगे, बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। एकादशियों में सर्वोत्तम जिसे बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जनों, वेदव्यास जी की बात सुनकर भीमसेन कहने लगे, हे महर्षि, आप जानते हैं कि मेरे पेट में वृक नामक अग्नि सदैव प्रज्वलित रहती है, जिसके कारण मुझे अत्यधिक मात्रा में भोजन चाहिए, तो मैं एक समय भोजन करके भी व्रत नहीं रख पाता। वर्ष भर की एकादशियों के व्रत मेरे लिए संभव नहीं, अतः आप कृपा करके कोई ऐसा व्रत बताइए जिसके करने से वर्ष भर की एकादशियों का फल प्राप्त हो जाए। भीमसेन की बात सुनकर वेद व्यास जी कहने लगे, भीमसेन सुनो, ऐसा व्रत तो सिर्फ एक ही है, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की होती जो एकादशी है। निर्जल रहकर व्रत यदि इस दिन कर लिया जाए, तो फिर सभी एकादशियों व्रत फल मिल जाए। किंतु ना ही कुछ खाना है, ना करना जलपान, सिर्फ आचमन ही इस व्रत के दिन करते विद्वान। पूरे विधि विधान से यदि इस व्रत को किया जाए, सुदर्शन धारी विष्णु जी उस पर कृपा बरसाए। समस्त पापों से मुक्ति स्वयं उन्हें हरि दिलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। एकादशियों में सर्वोत्तम जिसे बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं।
भक्तजनों, वेद व्यास जी ने बताया कि हे भीमसेन, यदि आप सभी एकादशियों के व्रत का फल पाना चाहते हो तो ज्येष्ठ मास में सूर्य जब वृष राशि में हो या मिथुन राशि पर हो, शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो उसका यत्न पूर्वक निर्जल व्रत करो। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हो, उसको छोड़कर किसी प्रकार का जल अथवा फल का सेवन करने से व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन सूर्योदय तक मनुष्य जल का त्याग करे तो यह व्रत पूर्ण होता है। तदनंतर द्वादशी को प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल एवं स्वर्ण दान करें। इस प्रकार कार्य पूरा करके जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करें। वर्ष भर में जितनी एकादशियां होती हैं, निर्जला एकादशी व्रत करने से सभी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त हो जाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। निर्जला एकादशी के व्रत को करते हुए बखान, वेद व्यास जी ने तब कहा है व्रत ये सबसे महान। भीमसेन से बोले ये स्वयं केशव ने कहा है, सब कुछ छोड़ के मानव जो मेरी शरण में आ गया है। एकादशी को रहता है जो भी भक्त निराहार, निश्चित रूप से मैं करता हूँ उसका तो उद्धार। अंत समय में यम के दूत न उसको लेने आए, विष्णु दूत उसे लेकर के स्वयं वैकुंठ चले जाए। लोक और परलोक सुधर दोनों ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। एकादशियों में सर्वोत्तम जिसे बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भक्तजनों, वेद व्यास जी ने भीमसेन को बताया कि स्वयं शंख चक्र और गदा सुदर्शन धारण करने वाले केशव ने भी कहा है, जो मानव मेरी शरण में आ जाते हैं और एकादशी के व्रत को करते हैं, उन्हें मैं समस्त पापों से मुक्त करके अंत में वैकुंठ लोक का निवास देता हूँ। उन्हें यम के दूत नहीं बल्कि स्वयं विष्णु दूत वैकुंठ लेने आते हैं। अतः हे भीमसेन, यदि तुम सभी एकादशियों के व्रत नहीं कर सकते तो विधि विधान पूर्वक सिर्फ निर्जला एकादशी का व्रत करके भी सारी एकादशियों के व्रत का पुण्य प्राप्त कर सकते हो। निर्जला एकादशी का व्रत ही यदि किया जाए, पुण्य प्राप्त उन सभी एकादशियों का हो जाए। मेरु पर्वत के सब किया हो फिर चाहे पाप, पावन कथा सुनाते हैं। एकादशियों में सर्वोत्तम जिसे बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। प्रिय भक्तजनों, वेद व्यास जी ने भीमसेन को निर्जला एकादशी व्रत का महात्म्य बताते हुए कहा, हे भीमसेन, वो चाहे स्त्री हो या पुरुष,
विधि पूर्वक निर्जला एकादशी के व्रत को करके महान से महान पापी भी वैकुंठ लोक का भागी बन जाता है। और जो मनुष्य एकादशी को अन्न खाता है, समझो पाप का भोजन करता है, वो इस लोक में चांडाल के समान मरने पर दुर्गति को प्राप्त होता है। जो लोग ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी का उपवास करके दान करेंगे, वो परम पद को प्राप्त होंगे। जिन्होंने एकादशी को उपवास किया है, वो ब्रह्म हत्यारे, शराबी, चोर तथा गुरुद्रोही होने पर भी सब पातकों से मुक्त हो जाते हैं। अब तुम मुझसे एकादशी के दिन दान का महत्व सुनो। जल में शयन करने वाले हैं श्री विष्णु भगवान, जल में धेनु का एकादशी के दिन है उत्तम दान। प्रत्यक्ष धेनु या धृतमय धेनु का भी दान उचित है, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से भी करना संतुष्ट है। शमदम दान में प्रवृत्त होकर जो कर हरि जागरण, पाप नष्ट हो उनके सारे पुण्य का होता आवरण। अन्न वस्त्र और शैया दान या सुंदर आसन हो, छाता या जूता दान करे जो सुपात्र ब्राह्मण हो। जल से भरा कमंडल दान भी उचित बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। एकादशियों में सर्वोत्तम जिसे बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जनों, महर्षि वेदव्यास जी ने भीमसेन को निर्जला एकादशी के दिन उत्तम दान के बारे में भी समझाया। उन्होंने कहा, निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गौ, जल, शैया, सुंदर आसन, जल से भरा कमंडल व छाता दान करना चाहिए। जो श्रेष्ठ तथा सुपात्र ब्राह्मण को जूता दान करता है, वो सोने के विमान में बैठकर स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। अब तुम मुझसे एकादशी की महिमा वर्णन का पुण्य सुनो। एकादशी की महिमा का जो करते हैं वर्णन, या फिर एकादशी की कथा का करते हैं श्रवण, चतुर्दशी अमावस को कर सूर्य ग्रहण में स्नान, महिमा वर्णन एकादशी का होता उसी समान। विधि पूर्वक पूजन करके यदि व्रत संकल्प करें, श्री हरि विष्णु उन भक्तों के सारे कष्ट हरे। जलयुक्त घड़े का दान करे जो निर्जला एकादशी को, श्री हरि विष्णु के निकट रहने का आनंद मिलता उसको। श्रद्धा पूर्वक विष्णु जी के गुण जो गाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। एकादशियों में सर्वोत्तम जिसे बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जनों, महर्षि वेदव्यास जी के श्रीमुख से निर्जला एकादशी का महात्म्य सुनकर भीमसेन बड़े ही भाव विभोर हो गए और उन्होंने निश्चय किया कि वो निर्जला एकादशी का व्रत पूरे विधि पूर्वक अवश्य करेंगे। प्रिय भक्तों, निर्जला एकादशी व्रत की यही कथा है। जो भी भक्त इस कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनते हैं, उन्हें बड़ा ही पुण्य प्राप्त होता है। जी ने जो भीमसेन को बतलाया,
सुरेश भी श्री चरणों में शीश झुकाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। एकादशियों में सर्वोत्तम जिसे बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। नारायण नारायण हरि हरि, बद्री नारायण नारायण हरि हरि, ओ तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि नारायण नारायण हरि हरि, बद्री नारायण नारायण हरि हरि, ओ तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण।
जय जय नारायण नारायण हरि 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 ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि नारायण नारायण हरि हरि बद्री नारायण नारायण हरि हरि ओ तेरी लीला सबसे न्यारी तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण जय जय नारायण नारायण हरि हरि ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि हो जय जय नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि 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 ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि बद्री नारायण नारायण हरि हरि ओ तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि
जय नारायण नारायण हरि हरि हो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि तेरी लीला सबसे न्यारी से न्यारी न्यारी हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि सारी सृष्टि आप सहारे आप दया हो जिस पर करते
जब जब भक्तों ने है पुकारा नारायण अवतार है धारा, अलग अलग रूपों में आए मत्स्य बने कभी कूर्म बने ये, वराह बने नरसिंह बने ये, वामन परशुराम बने ये, राम बने कभी श्याम बने ये, बुद्ध बने अहिंसा सिखाई, कल की कलयुग देंगे मिटाई, अवतारों की जय जय बुलाई, कथा श्री हरि विष्णु की कहते वेद पुराण, श्री हरि विष्णु जी के चरणों में प्रणाम, जय जय नारायण हरि विष्णु नारायण हरि, बोलो नारायण हरि अदरि नारायण हरि, जय जय नारायण हरि विष्णु नारायण हरि, बोलो नारायण हरि बद्री नारायण हरि, कमलापति दुख मोचन स्वामी, गरुड़ सवारी अंतर्यामी, परम पिता ये है जग जानी, शंख चक्र और गदा के धारी, श्री विष्णु जग पालन हारी, माथे स्वर्ण का मुकुट है साजे, कल्प तरु श्री हरि नारायण, नैया भव से पार लगायन, पीतांबर के आप हो धारी, क्षीर के सागर आप विराजे, माँ कमला संग में है साज, योग के निद्रा सोए रहते, रूप चतुर भुज आपका भगतन नैन अभिराम, भक्त जनों का चरणों में बारंबार प्रणाम, जय जय नारायण हरि विष्णु नारायण हरि, बोलो नारायण हरि बद्री नारायण हरि, सच्चिदानंद है परमानंद, भक्त जनों के आनंद कंदा, गंगा मैया चरण पखारे, मणि है सत्य नारायण, नमो नमो श्री नमो नारायण, परम मनोहर छवि के धारी, नवनिधियों के आप हो दाता, यश वैभव के आप प्रदाता, अंधन को आंखें हैं मिलती, शुद्ध चित्त जो ध्यान लगाए, द्वादश नामों को जो गाए, एक माला जो रोज फिराए, उनके दुख संकट मिट जाए, ग्राह के फंद छुड़ा दिए, दिए धन ना को तार, वृंदा तुलसी बन गए बनी गले का हार, जय जय नारायण हरि विष्णु नारायण हरि, बोलो नारायण हरि बद्री नारायण हरि, मोक्ष के दायक तुम जगदीशा, परम पिता पावन जगदीशा, हर पल तुम्हारा ध्यान लगाए, सब व्याधि को दूर भगाए, माँ तुलसी को कंठ लगाए, हर साधक के मन में विराजे, दिव्य अलौकिक ज्योति जलती, भगत करे हैं मन से भक्ति, गूंज रहे हैं जय जयकारे, अब
अभय दान भक्तों को देते, दुख संकट सगरे हर लेते, भक्तन संता नाम तिहारा, संत जनों का आप सहारा। हाथ तिहारे सौंप दी हमने जीवन डोर, अंधियारा काटो प्रभु करो जीवन में बोर। जय जय नारायण हरि, विष्णु नारायण हरि, बोलो नारायण हरि, बद्री नारायण हरि। दीन दयाल है असुर निकंदन, नारायण हरि है जग वंदन, शेष की शैया आप विराजे, नारायण वैकुंठ के वासी, कण कण है घट घट के वासी, ऋषि मुनिन के हो रखवारे, नारायण हरि कमला सिंधु, मात पिता तुम ही दीन बंधु, सूरज चंदा और सितारे, नारद वीणा मधुर बजाए, नारायण नारायण गाए, शुभ दृष्टि जब आप फिराए, विश्व रूप संकट हरो, हम हैं आपके दास, दूर कभी करना नहीं रखो चरणन के पास, जय जय नारायण हरि, विष्णु नारायण हरि, बोलो नारायण हरि, बद्री नारायण हरि। सूर्य करोड़ों सम है आभा, जड़ चेतन के तुम अनुरागा, योग माया के आप हो स्वामी, जय जगदीश जय भाग्य विधाता, सुख शांति के आप प्रदाता, सृष्टि चलते आप सहारे, लक्ष्मी रमण प्रभु लीला धारी, श्री नारायण जग उपकारी, सृष्टि चलते आप इशारे, माथे स्वर्ण का मुकुट निराला, गले सजे वैजंती माला, जग रक्षक प्रभु सत्य नारायण, बद्रीनाथ कर्तव्य परायण, चारों युगों में गूंज रहा नारायण हरि नाम, कमलपति है उमापति दया के आप निधान, जय जय नारायण हरि, विष्णु नारायण हरि, बोलो नारायण हरि, बद्री नारायण हरि। नारायण श्री ब्रह्म स्वरूप, महिमा तिहारी अमित अनूप, शेष नाग छाया है करते, विष्णु नारायण इष्ट हमारे, हम सब सेवक प्रभु तिहारे, भक्तन के हो तुम सुखदाता, मोहिन रूप आपने धारा, शिव शंकर का प्राण उबारा, देवों ने अमृत था पाया, श्यामल रूप आपने धारा, अद्भुत अनुपम अविरल प्यारा, चरणों से हम दूर न करना, धन्ना जाट के घर रहे बनकर शाली ग्राम, दयावंत नारायण को कोटि कोटि प्रणाम, नारायण हरि, विष्णु नारायण हरि, बोलो
जय जय नारायण हरि, विष्णु नारायण हरि, बोलो नारायण हरि, बद्री नारायण हरि। परोपकारी जन कल्याणी, प्रभु महाज्ञानी, प्रभु महादानी, रंग जाए भक्ति के रंग में, नमो भगवते वासुदेवाय। जो भी मन से मंत्र ये गाए, भव सागर से पार वो होता, राजा रंक और साधु संता, आप ही सबके हो भगवंता, धर्म के पथ से हम तो डिगे ना, क्षीर सिंधु में वास तिहारा, जिसने भी तेरा नाम पुकारा, उसका नसीबा आप सवारा, वाम अंग लक्ष्मी सजे, सेवा करे दिन रात, पावन दर्शन हम करे, मात पिता और ता, जय जय नारायण हरि, विष्णु नारायण हरि, बोलो नारायण हरि, बद्री नारायण हरि। हे नारायण भगवन प्यारे, दूर करो प्रभु दुख हमारे, हम सब बालक शरण तिहारे, गुरुवार लगता है प्यारा, अद्भुत सजता मंदिर न्यारा, सत्य नारायण पूजा होती, हे नारायण हे विश्वेश्वर, भक्त है देवा तुम पर निर्भर, जो कुछ नजर हमें है आता, आनंद के तुम हो महासागर, नारायण हरि आप उजागर, इंद्र धनुष में रंग आपके, लेना हमको संग आपके, मंत्र जपे जो आपका, लेता आपका नाम, दुखड़े उसके दूर करे, भक्तों के सुख धाम, जय जय नारायण हरि, विष्णु नारायण हरि, बोलो नारायण हरि, बद्री नारायण हरि। अंतकरण में आपका वासा, जीवन में ना रहे निराशा, चरणों से तेरे लगन लगी है, ऋषि मुनिन के आप हो प्यारे, भक्तन हित के हो रखवारे, भक्तों के हृदय में बसेरा, सार जगत के आप रचैया, भवनैया के आप खेवैया, अपनी कृपा हमको भी दिखाना, अक्षत चंदन पुष्प चढ़ाऊं, तिलक करूं और भोग लगाऊं, आरती और चालीसा गाऊं, नारायण की कृपा पाऊं, त्रिदेवों में आप हो प्रभुवर सबसे महान, भजन आपके गाऊं,